वेलकम टू YRS Academy। आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस करेक्टरिस्टिक। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी बच्चे, बताएंगे आप सभी। नंबर वन इज़ इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, नंबर टू इज़ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, नंबर थर्ड इज चेंज इन कलर, नंबर फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर एंड नंबर फिफ्थ इज चेंज इन स्टेट, राइट। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस के बारे में। दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। केमिकल रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक होती है गैस को इवॉल्व करना, ओके। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल, राइट। एग्जांपल है व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ बच्चे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। किसके बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, राइट। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज करेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने एग्जांपल में अभी पढ़ा कि जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कौन से बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के, तो कौन सी करेक्टरिस्टिक है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ओके। नेक्स्ट, चलो यहीं देख लेते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स, फॉर्मूला इज, सिंबल इज Zn, ओके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड हाइड्रोजन गैस, दीज आर द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन दिस एग्जाम्पल, ओके। अब ये लेबॉरेटरी में हम कैसे करेंगे, वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन द लेबॉरेटरी एज फॉलोज, कैसे करेंगे। नंबर वन, पहला पॉइंट है, टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। क्या कर रहे हैं हमने कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया, किस में, कॉनिकल फ्लास्क में और ए टेस्ट ट्यूब में। तो जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि हमने जिंक को ले लिया, राइट, Zn। नंबर टू, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रेन्यूल्स। और हमें क्या ऐड करना है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक कॉनिकल फ्लास्क है, दिस इज़ द कॉनिकल फ्लास्क। हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स को अलग से लिया और इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, देखो बच्चे यहाँ पर, दिस इज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर हमने क्या ऐड किए, जिंक ग्रेन्यूल्स, ओके। नंबर थ्री, वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड यहाँ पर क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, ओके। और ये बबल्स ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं और यहाँ से ग्लास ट्यूब के थ्रू, दिस इज़ द ग्लास ट्यूब, और यहाँ पर H2 गैस हमें मिल रही है, राइट। एंड दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर ये कॉनिकल फ्लास्क है, दिस इज़ ग्लास ट्यूब, ये एक ग्लास ट्यूब है बच्चे, एंड दिस इज़ कॉर्क, राइट, ओके। अब इसमें एक फोर्थ पॉइंट ये है कि इफ़ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद आर हैंड वी विल फाइंड दैट इट इज़ समवट हॉट। ये कुछ कहीं गर्म होगा, जैसे हम टच करेंगे विद आर हैंड तो हमें महसूस होगा कि ये गर्म है, राइट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड।
ये एक अनदर एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है, और इससे पहले भी ये भी एक एग्जाम्पल था, राइट। पहले हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसमें रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व है, राइट। इसमें एक ही रिएक्शन इन्वॉल्व है, क्या रिएक्शन है बेटे, जिंक का रिएक्शन हुआ H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ओके। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इज जिंक ग्रैन्यूल्स, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज जिंक सल्फेट, एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, यहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, हम इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये एग्जांपल बच्चे आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, पिछले वाले एग्जांपल में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस था, यहां पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पर हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले हम देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ओके, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, राइट। क्या इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, और यहां पर हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, ओके बच्चे, राइट। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट द फॉर्मूला इज Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, रिएक्शन हो गई, क्या मिला हमें, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट, और हमें यहाँ पर हमें वाटर भी मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर आप समझो इसको क्या कहेंगे बच्चे, आपने पता है, आपको पता है, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स और दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ओके। दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल की इक्वेशन, ओके, एग्जांपल वन हम कह सकते हैं, राइट, इसको नंबर वन नाम दे दें, एंड दिस इज एग्जांपल नंबर टू, एंड दिस इज एग्जांपल इक्वेशन, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ओके। ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, यू हैव टू लर्न दीज रिएक्शंस, ओके। आप नोट्स साथ के साथ बनाएं और साथ के साथ लर्न करें और साथ के साथ स्टडी करते रहें।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. वो करेक्टरिस्टिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. राइट, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग YRS Academy.